हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हमारा एक प्रोजेक्ट चालू है, हमने आपको बताया था, हमने कॉन्ट्रैक्टर का काम रुकाया है और खुद काम चालू किया है। कॉन्ट्रैक्टर ने राइजर का काम किया था पहले और अंदर भी किया था, अंदर जितना भी किया था हमने निकाल दिया। अभी जो मेन राइजर का पाइपिंग है उसे हम हटा नहीं सकते क्योंकि वो शाफ्ट बंद हो चुका है, तो हमने मेन राइजर वही रखा था। और जो फ्लोर का पाइपिंग है उसे हमने चेंज किया है और उसके अंदर हमें एक दिक्कत आ गई है जो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये नया पाइपिंग है जो हमने कल इंस्टॉल किया है, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से गया। उसके बाद यहाँ से ये मशीन को गया, आगे दूसरा मशीन है, ये सब कुछ इस तरह से हमने किया है। और यहाँ पे अभी तक हमने ज्वाइंट नहीं किया, यहाँ पे है मेन राइजर, यहाँ से छत पे गया है और यहाँ से आगे हमने किया है। मुझे वो कॉन्ट्रैक्टर के काम पे बहुत डाउट था, इसलिए मैंने राइजर को लूप किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैंने राइजर को अलग से नाइट्रोजन प्रेशर दिया, लेकिन जैसे मैंने इसको प्रेशर दिया तो यहाँ से बहुत बड़ा साउंड आ रहा है। मैं उसका वीडियो भी यहाँ पे अटैच कर दूंगा, इसके अंदर से साउंड आ रहा है। तो मैंने अभी ये ओपनिंग करवा दिया है और अंदर जो ब्लॉक है उसे भी हटाना पड़ेगा, लेकिन ब्लॉक हटाने के लिए उनका कोई आदमी नहीं, फिलहाल मैं ही हटा रहा हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से लीक है। लीक 100% वहाँ पे ही है क्योंकि बहुत साउंड आ रहा है वहाँ पे। और देखते हैं क्या किया है उन लोगों ने, क्योंकि आप देख सकते हो लीक लग गया, कोई बात नहीं। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो लिक्विड के पाइप पे इंसुलेशन भी नहीं है और वो पाइप अंदर से है, या अंदर जाके ये सीधा ऊपर छत पे गया है, इसके अंदर शाफ्ट है। अभी मैंने एक ब्लॉक हटा दिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे 4 ब्लॉक हटाने पड़ेंगे। तो अभी मैं हटाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये हटाना भी आसान नहीं है गाइस, और मेरे साथ आज कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ साइड पे। ये ब्लॉक हटाएंगे, ये ऊपर के 2 ब्लॉक हटाएंगे तो शायद हमें मिल सकता है। ओके, मैं हटाता हूँ। तो सीधा मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊंगा, ये ओपन करने को बहुत टाइम जाएगा गाइस, बहुत दिक्कत दे रहे हैं, ये ब्लॉक बहुत स्ट्रांग है। तो सीधा ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। गाइस, अभी मैंने ब्लॉक निकाल दिए हैं, आप देख सकते हो इधर, वो जगह भी ओपन हो गई। बहुत थक गया मैं इसमें, अभी मैं आपको लीक दिखाता हूँ कहाँ पे है और पाइपिंग भी दिखाता हूँ किस तरह से किया है। ये देख सकते हो आप पाइपिंग, ये देखो ब्रेजिंग की क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी है। ये देखो इधर इंसुलेशन नहीं है, अभी नाइट्रोजन देंगे तो पता चलेगा ये कहाँ पे लिखे। हाँ ओके आमो, ओके। ये देखो ब्रेजिंग क्वालिटी, ये देखो क्वालिटी, अभी हम देखेंगे लीक कहाँ पे है। मैं नाइट्रोजन डालता हूँ इसमें, गाइस नाइट्रोजन डालने की भी जरूरत नहीं, देखो आप ये होल, ये देखो होल, यही पे लीक है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन डाल के एक बार कंफर्म करेंगे, डाउट नहीं चाहिए कुछ भी। नाइट्रोजन डाल दिया। हेलो सर, आई ओपन दिस सर।
गाइस अभी मैं इसे ब्रेजिंग कर दूंगा और उसके बाद नाइट्रोजन डालेंगे। ये प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे काम रहते हैं, हमें सब काम करने पड़ते हैं। तो ब्लॉक ये सब हमें ओपन करना पड़ता है, अगर हम दूसरे को काम देंगे तो मेन कॉन्ट्रैक्टर हमारा पैसा काटेगा, इस वजह से हमें सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे पहले जो फोरमैन था उसने सही से इंस्पेक्शन नहीं किया। ये राइजर पहले टेस्टेड था उनके हिसाब से, मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन जब भी मैंने नाइट्रोजन डाला तो उसमें से पूरा नाइट्रोजन चला गया। तो गाइस आज की वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम डेली लाइव आते हैं और साइट पे जो भी काम चलता है उसे हम लाइव पे दिखाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। गुड मॉर्निंग सर, हमारे गुड मॉर्निंग, हमारे तो चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।